Good morning, children. Today we are doing the long question answers of chapter number 6 in history, and these are here. First question: How did the Janpadas evolve? Janpada कैसे evolve हुए, कैसे बने? तो our answer: Various kulas developed within the jana, each with its own chief. यानी जितने भी कुल थे, वो जन में convert हुए, जन उन्होंने अपना जन बनाया, और हर किसी जन का, हर जन का अपना एक chief हुआ करता था. The necessities of defense and warfare prompted the janas to form military groupings headed by janpadis. अब इन जना में क्या था, इनको डिफेंस चाहिए होता था, यदि कभी वॉर हो गया तो उससे भी अपने आप को सेफ्टी चाहिए होती थी, तो इसके लिए क्या हुआ, इनको मिलिट्री ग्रुप्स बनाने पड़े अपने, और इन मिलिट्री ग्रुप्स को कौन हेड करता था, जनपदीज. दिस मॉडल अल्टीमेटली इवॉल्व इन टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल यूनिट्स नोन एज द जनपदा. तो ये जो मॉडल था जनपदास का, इनके चीफ का, मिलिट्री ग्रुप्स का, ये सबको मिलाकर एक पॉलिटिकल जो यूनिट बनती है उसको हम कहते हैं जनपद. सेकेंड, डिस्क्राइब द टू टाइप्स ऑफ महाजनपदास. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ महाजनपदास. फर्स्ट इज मोनार्कीज, सेकेंड रिपब्लिक ऑफ गणसंघास. तो पहले बात करेंगे मोनार्कीज के बारे में. सो फर्स्ट पॉइंट, द किंग बिकेम मोर पावरफुल. राजा बहुत शक्तिशाली थे. द किंगशिप पास फ्रॉम फादर टू सन. और जो किंगशिप थी वो फादर से सन को पास हो जाती थी, यानी राजा के पास जो उसका एल्डेस्ट सन हुआ करता था वही वापस राजा बनता था, ठीक है, जिसको कि हम हेरेडिटी या हिरार्की भी कहते हैं. नंबर थ्री, द किंग वाज कंसिडर्ड डिवाइन. राजा को देवतुल्य माना जाता था, देवता के समान माना जाता था. नंबर फोर, द किंग इम्पोज टैक्सेस टू एडमिनिस्ट्रेट द लैंड. और राजा अपनी लैंड के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए, इस प्रशासन को चलाने के लिए लोगों से टैक्स लेता था. फिर द आर्मी वाज अंडर हिज कमांड. आर्मी उसके अंडर में थी, उसके कमांड में थी. एंड ही वाज द लैंड मेकर, लॉ मेकर टू. और उसके अलावा वो कानून का निर्माता भी था, कानून बनाता था. सेकेंड, रिपब्लिक. इन अ रिपब्लिक द पीपल चूज और इलेक्टेड देयर रूलर्स. रिपब्लिक में, क्योंकि अब हमको पता है हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, रिपब्लिक है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो रूलर्स होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं थ्रू द इलेक्शंस. तो सेम उस टाइम भी था कि रिपब्लिक में लोग अपने रूलर्स को खुद ही इलेक्ट करते थे, चूज करते थे. द रिपब्लिक्स वर ऑल्सो नोन एज गणसंघास. रिपब्लिक को गणसंघा भी बोला जाता था. दीज रिपब्लिक्स वर लोकेटेड इन द लेस फर्टाइल ट्रैक्स ऑफ द लैंड. ये कम उपजाऊ जमीन वाली जमीनों पर रहते थे. इसके अलावा हिमालय के जो नीचे तराई वाले क्षेत्र हैं वहाँ रहा करते थे, बिल्कुल जो बॉटम में वैली होती ना वहाँ रहा करते थे. इसके अलावा पंजाब और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी ये लोग रहते थे. तो ये टू आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं, इनको आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क यू हैव टू डू इन योर नोटबुक एंड लर्न ऑल्सो.